I'm fine. How are you doing? Very nervous. तुम्हारा इंतजार कर रही थी. Nervous? Nervous क्यों? बस यही सोच रही थी कि तुम मुझे अपने नोट्स देना पसंद करोगे या नहीं. Oh come on यार, नोट्स मांग रही हो? कोई दिल नहीं कि उसके लिए घबराना पड़े कि नोट्स मिलेंगे या नहीं. Thanks आतिश. काश कि मैं नोट्स की जगह तुम्हारा दिल भी मांग लेती. एक ही तो बात है, दिल से ही तो नोट्स दे रहा हूँ. अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ. ओके जानवी. पीते पीते थोड़ा समझा भी देना. आतिश. या? क्या तुम जानवी की जगह जानू नहीं बुला सकते? Sure, यार. It's short and sweet. और मैं तुम्हें अति? हाँ यार, अति बुलाओ या पति बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, सब चलता है. भोली है और थोड़ी एड़ी भी. चाय. थैंक यू. वेरी टेस्टी. बताओ कौन से टॉपिक में. फ्रिज कहाँ पर है? फ्रिज कहाँ पर है? मैं आइस लेके आता हूँ. जल्दी. या कमिंग कमिंग. आतिश जल्दी. या कमिंग. आतिश. या कम ऑन. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. टेक इट इजी यार, टेक इट इजी, इट विल कूल डाउन. रिलैक्स जानवी, रिलैक्स रिलैक्स जानवी, रिलैक्स. रिलैक्स जानवी, रिलैक्स. जानवी. हेलो. हाय आतिश. जानवी. हाँ बोल ना. वो एक्चुअली तुमसे एक हेल्प लेनी थी. किस किस्म की? मुझे साइकोलॉजी के नोट्स कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर तुम मुझे समझा देती तो. अरे इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है, समझा दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो हम स्विमिंग पूल के बाहर मिले, मिलोगे ना? हाँ हाँ मिलूंगा. थैंक्स. ओके बाय. हे जानवी. हाय. बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक क्या है? पहले बैठ तो ले, फिर बताती हूँ. ठीक है बैठ लेते हैं, पर मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है. सच आतिश? पता है? यस, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम का टॉपिक पता है. साइकोलॉजी ऑफ टीनेज बिहेवियर एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस. हाँ हाँ वही. देखो 16 से 19 साल के हर एक इंसान में एक अजीब सी इनसिक्योर फीलिंग पैदा होती है, जैसे बॉक्सिंग को लेकर मेरे अंदर है. और दूसरा कारण है विद्रोही भावनाओं का फूट पड़ना एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जानवी. गॉड. जानवी देखने दो क्या हुआ, एक मिनट देखने दो, देखने दो मुझे कहाँ लगी. एक मिनट जानवी, एक मिनट. कम ऑन जानवी, गेट अप. कम ऑन ट्राई टू गेट अप. ओके ओके जानवी, ये चोट नहीं है, मेरे ख्याल से ये मसल पुल है. लेट मी रब इट, लेट मी रब इट. रिलैक्स. ओह माय गॉड. रिलैक्स जानवी, टेक इट इजी यार. रिलैक्स. ओके. I love you a lot. तो ये सब नाटक है? नहीं आतिश, नाटक नहीं, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ. लेकिन लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता. ऐसा मत कहो आतिश, मत कहो ऐसा. आखिर साक्षी तुम्हें क्या दे सकती जो मैं नहीं दे सकती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बिना मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकती. जानवी मैं तुम्हें प्यार चाहकर भी नहीं कर सकता. आतिश मैं साक्षी से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगी, तुम पर मर मिटूंगी. इसका मतलब तुम प्यार खरीदना चाहती हो? अच्छा मैं चलता हूँ.
तुमने मेरे प्यार को धुतकारा है, ठोकर मारी है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाओ। भाई भाई छोटे सामने भी शायद आज कुछ चढ़ा लिए। पैरी पे ना भैया, तूने शराब पी है? पीनी पड़ी भैया। किसने पिलाई तुझे? मोहब्बत, इश्क, मेरे प्यार, मेरी चाहत। अपने भाई से ज्यादा तुझे किससे इतनी मोहब्बत हो गई है जिसने तुझे शराब पीने पर मजबूर कर दिया? साक्षी भैया। साक्षी? अपने पिए बाबू हैं, उन्हीं की बहन है। हाँ भैया। भूपिंदर, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो तुझे उससे मोहब्बत हो गई? खासियत है भैया, उसे पा लेने की जिद। लेकिन भैया, मैं जितना ही उसके करीब जाता हूँ उतना ही मेरे उस दोस्त आतिश के करीब जाती है। वो मेरे और आतिश के बीच आ गई है भैया। उसे ना पाने में मेरी हार है और इस हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो तेरी अनारकली बन ही चुकी है तो मैं अकबर बनकर तुझे उससे अलग नहीं करूंगा। वो तेरे आगोश में होगी ताकि तेरे जिस्म के भीतर बहते खून में फैले मोहब्बत के कीड़े शांत हो जाएं। भैया नहीं, भैया मुझे वो जबरदस्ती नहीं चाहिए। भैया मैं चाहता हूँ कि वो खुद ब खुद मेरे पास चलकर मेरे आगोश में आए, तभी इस कलेजे को ठंडक पहुंचे। ऐसा ही होगा भूपिंदर, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद दारू की एक भी बूंद अपने गले के नीचे नहीं उतारेगा। आपकी सौगंध भैया, अगर ऐसा होता है तब जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। इसे इसके बंगले तक हिफाजत से पहुंचाओ। कुछ हुआ इसे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। डोंट वरी भैया। आइए भाई। बाय भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। एंड आई लव साक्षी। उफ, ये मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, तारीखें बदलती गई और आतिश की रिहाई भी नजदीक आ गई। क्या हुआ साक्षी? उस सरिंदर ने मुझसे वादा किया है कि वो नए साल के जश्न की रात को मुझे मेरे माँ और भाई से मिलवा देगा, मगर मुझे उसकी सारी बातें खोखली लगती हैं। ऐसे वादे तो वो पता नहीं कब से करता आ रहा है। पता नहीं मेरे माँ और भाई इस दुनिया में। अब मेरा इस दुनिया में एक ही मकसद है, उस दरिंदे को उसके किए की सजा दे दूं ताकि हम पर लगा हुआ कलंक हम मिटा सके। पता नहीं इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा आतिश। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। नए साल का जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। मेरा एक नया प्लान है।